कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मैं कोट कर रहा, विधानसभा की कर सकती है? देखो ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, अगर विधानसभा कुछ पास भी कर देवे, इट कांट हेल्प इवन इफ विधानसभा पासेस समथिंग यूनैनिमसली। अकाली भी रल जान, इट कांट हेल्प। असेंबली दा कोई एक्ट कैन नॉट ओवरराइड अ पार्लियामेंट्री एक्ट। फिर भी गल तां फिर आ गई ओही कि जब कैप्टन साहब थोनू भी पता सी कि विधानसभा कुछ नहीं कर सकती, तो विधानसभा च जिथे कुछ कर सकती सी वह एक्ट तो तुसी लियाए नहीं, जिथे विधानसभा कुछ नहीं कर सकती सी वह एक्ट लिया। फिर फिक्स्ड मैच आ गया नाल। और मैं गल तो अगे दस दया, 254(2) तहत ये आपदा लियाए है कल, जेडे काले कानूनों ते इन्होंने आप दी अमेंडमेंट्स मूव कीतियां ने। हुण मैं तुहानूं ना एक क्लीयर गल समझा दियां कि एक तां हुंदी है स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर सी स्टेट लिस्ट च, जे ये करदे पंजाब नूं मंडी ऐलान दिंदे ते फिर उहदे च प्रेजिडेंट की मंजूरी की लोड़ नहीं सी, वो पंजाब दे स्टेटा दे अधिकार थले है। 1961 का एक्ट, APMC एक्ट, एक बारी नहीं कई बारी कोर्टा च फैसला हो गया है, लैजिस्लेट हो चुके है कि तुसी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है इहदे ते फैसला कर दिओ। और ये मंग साडा प्राइवेट मैंबर बिल जिहड़ा इन्होंने मंजूर नहीं किया, यही सी कि जब सारा पंजाब मंडी ऐलानिया जाऊ तो फिर कोई रेजिड्यूल जगह तो रह नहीं गई, कोई होर जगह रही नहीं गई, तो फिर ट्रेड वास्ते फिर सब नूं APMC मंडी तहत आना पैना, तो मसला मुक जाना सी। उहदी मंजूरी की दी सी पंजाब विधानसभा दी, पंजाब स्टेट दी, मगर वह काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? दिल्ली कुछ करना सी। जिस तरीके नाल कांग्रेस जिहड़ी है वो आतिशबाजियां चला रही है, लड्डू बन रही है, पटाके चला रही है, ये कोई उन्हां दी जित नहीं हैगी, ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट लेके आए ने उन्हां बिलां च, पंजाब वल्लों उस उन्हां सेंटर दे बिलां नूं ही अमेंड करन दी तजवीज है, बेनती है। मैनूं ये दसो, ये तो उही गल होगी कि जिवें प्रिंसीपल द्वारा दिते हुए हुक्म नूं कोई PT मास्टर उच बदला करके उन्हूं भेज दे, हजे प्रिंसीपल कोले पहुंचा भी ना होवे ते पहले ही वह भंगड़ा पाउण लग जाए। किसान हजे भी सड़कां ते बैठे ने, इहदे नाल इक्को ही गल, इक्को ही मैसेज गया कि पंजाब जिहड़े आ उह कट्ठा है इस मामले ते, पर विरोधी धिर होण दे नाते असीं इहनां नूं मनमर्जियां करन नहीं देवांगे। कैप्टन साहब अक्खां च घट्टा पाउण दी कोशिश ना करन कि साथ देता ते किसानां दा राखा ये वो टाइटल रख के ते उह जिहड़े ने किसानां दे राखे बन गए। हजे तां लड़ाई शुरू होनी है, लड़ाई तो हजे भी सेंटर नाल ही है। सो इस करके असी यह कहना है कि MSP का जिहड़ा बिल है वह पंजाब सरकार क्यों नहीं लेके आउंदी? हुण इन्होंने कहता कि MSP तो घट जिहड़ा खरीदूगा उन्होंने 3 साल की सज़ा की तजवीज है। पहली गल तो सेंटर जे MSP तो ही मुकर गया, जिहड़ा कि उन्होंने शंका हैगी है, उन्होंने मंशा हैगी है, जे MSP तो मुकर गया फिर घट वाधा की है? नंबर दो ते जे सेंटर ने कहता, सेंटर दी एजेंसियां ने, सानू तो इन्ना चाहिए जी, बाकी नहीं खरीदे। प्राइवेट प्लेयर कहिंदा मैं भी नहीं खरीदा, फिर जिहड़ी फसल बच गई उहनूं कौन चकूगा जी, वह कित्थे बेचूगा किसान? ते पंजाब सरकार MSP दा बिल लैके आवे। अज भी साडे जिहड़े MLA उन्होंने इस गल ते वाकआउट कीता है कि पंजाब सरकार गारंटी करे कि जिहड़ी फसल बच गई सरकार जिहड़ी सेंटर दी एजेंसियां ने खरीदण तों बाद उहनूं असीं चक्कांगे, नाल खरीद दी गारंटी भी देवे कि असीं इक इक दाणा ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ MSP ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਤੇ MSP ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਰਤੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮਾ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮੱਚੀ, ਇਹ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2022 ਵਾਲੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਹਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ।
अखबारों को कुछ और कहते हैं, कुछ तो उनको शर्मानी चाहिए कि अंदर क्या कहते हैं। और मेरे साथ गए हैं और जाके वो बिल गवर्नर को दे के आए हैं, फिर ये डबल फेस नहीं है काम? बिल्कुल गलत बात है। अनफॉर्चुनेटली इस ये जो बातें होती हैं ना कि अंदर कुछ बाहर कुछ, इससे टोटल पॉलिटिकल सिस्टम की